नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नवंबर में खुल सकते हैं पहली से पांचवी कक्षा तक के स्कूल। कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए झारखंड में पहली से पांचवी कक्षा तक के स्कूल को खोलने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कोरोना की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए नवंबर महीने में पहली से पांचवी कक्षा तक के स्कूलों को खोल सकती है। झारखंड में 6 से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को पिछले महीने ही खोला जा चुका है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार यदि दीपावली और छठ पूजा तक नियंत्रण में रहा तो पांचवी तक की कक्षाएं भी खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी संवेदनशील हैं। प्राथमिक से पांचवी कक्षा तक के स्कूलों को खोलने पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है, अब सरकार इस पर विचार कर रही है। झारखंड में कक्षा 1 से 5वीं के स्कूलों को खोलने की बात पर कहा है कि 4 नवम्बर को दीपावली है और 10 नवम्बर को छठ पूजा है। यदि इस अवधि तक कोरोना संक्रमण की हालत ठीक रहते हैं तो 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को फिर से खोल दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराने की कयावद। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। वोटर लिस्ट के बाद अब सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव चिन्ह अधिसूचित किया जा चुका है। चुनाव की तारीख की घोषणा के लिए प्रस्ताव राज्यपाल को जल्द भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव जल्द कराया जाएगा। खासतौर पर त्यौहार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सही समय में चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग डीके तिवारी ने सभी जो उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने चुनाव संबंधित सभी कार्यों को पर्व त्योहारों से पूर्व पूरा करने को कहा है। हर जिले में पंचायत चुनाव से संबंधित वेबसाइट शुरू करने का निर्देश दिया है ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सुलभ हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुबह लोग जागते ही सबसे पहले चेक किया व्हाट्सएप फेसबुक चल रहा है कि नहीं, मिला सुकून। सोमवार की रात 9:15 के बाद अचानक सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सेवाएं डाउन हो गई थी। इन तीनों प्लेटफॉर्म की सेवाएं ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रभावित हुई, इससे यूजर्स परेशान हो गए। राजधानी रांची समेत झारखंड में भी इसका असर रहा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म के डाउन होने का असर एंड्रॉइड फोन, iOS और कंप्यूटर पर पड़ा। करीब 6 घंटे बाद इस गड़बड़ी को ठीक किया जा सका। सुबह जब लोग जागे तो सबसे पहले अपने जो है व्हाट्सएप फेसबुक को चेक किया चल रहा है कि नहीं, व्हाट्सएप को चलता देख उन्हें काफी सुकून मिला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों के अनुपात में होंगे डॉक्टर, उठाए जा रहे हैं ये कदम। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हर स्तर के अस्पतालों में आवश्यक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी जोर शोर पर चल रही है। इसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार विभिन्न अस्पतालों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारियों की संख्या और कार्यों की समीक्षा करेगी। समीक्षा के बाद जिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज्यादा होगी उन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही कम लोड वाले अस्पतालों के डॉक्टर अधिक मरीज वाले अस्पतालों में भेजे जाएंगे ताकि इन विशेषज्ञ चिकित्सकों का सही लाभ राज्य की जनता को मिल सके, इन्हें इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए मेगा प्लान, 4G में अपग्रेड होंगे मोबाइल टावर। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। इसका उद्देश्य रेड कॉरिडोर में मोबाइल नेटवर्क को उच्च स्तरीय बनाने के साथ सुदूरवर्ती क्षेत्र को इंटरनेट से भी जोड़ना है। साथ ही सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान से बेहतर तालमेल भी ठीक किया जा सकेगा। सरकारी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन सरकारी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 800 मोबाइल टावर्स को 4G नेटवर्क में अपग्रेड करने का फैसला किया है ताकि मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त हो सके और कम्युनिकेशन संबंधित समस्याओं से निदान मिल सके। नक्सल प्रभावित जिलों में आमतौर पर संपर्क साधन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली सब स्टेशन में डकैती का पुलिस ने किया खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो जिले के ललपनिया के तिलैया स्थित निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन में बीते 22 सितंबर की रात हुई डकैती का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। धनबाद के महुदा में छापेमारी कर 5
अपराधियों को पुलिस ने दबोचा है, जिनकी निशानदेही व कबूलनामा के आधार पर पुलिस ने मामले से जुड़े कई अहम बिंदुओं का निपटारा किया है। बालीडीह क्षेत्र के बियाड़ा स्थित एक फैक्ट्री से चोरी हुई माल की बरामदगी भी की गई है, जिसमें ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर निकाले गए कॉपर कॉयल व बिजली के तार शामिल हैं। फैक्ट्री संचालक लालू सिंह माल का खरीदार बताया गया है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त पिकअप वैन भी बरामद किया गया है। मंगलवार की सुबह ललपनिया पुलिस ने गिरफ्तार सभी को तेनुघाट जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्वविद्यालय में खाली पदों को जल्द भरे राज्यपाल। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालय को शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। बैठक में निर्देश दिया गया है कि विश्वविद्यालय में कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक जैसे पद यदि रिक्त हों तो उन्हें शीघ्र भरा जाए। उन्होंने वित्त विभाग से कहा है कि शिक्षा हित में विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की कोशिश करें। राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालय समय बंद होकर कार्य करे, किसी भी स्तर पर शिथिलता ना बरते। जेपीएससी द्वारा किसी पद पर चयन कर अनुशंसा के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा योगदान करने में देरी ठीक नहीं है। विश्वविद्यालयों में कई समस्याएं हैं पर इच्छा शक्ति से निदान संभव है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल कॉलेज व मॉल में लगाए टीकाकरण कैंप। जिला स्तरीय कोविड 19 टास्क फोर्स की बैठक कल डीडीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में हुई। इसमें डीडीसी ने कहा कि त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है, ऐसे में राजधानी रांची के लोगों में कोरोना के संक्रमण की आशंका ज्यादा है। इसे देखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देने की जरूरत है। इसके लिए शहर के प्रमुख स्थानों स्कूल कॉलेज और शॉपिंग मॉल में टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे। वहीं डीडीसी ने हर बुधवार को प्रखंड व पंचायत मुख्यालय में आयोजित होने वाले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी टीकाकरण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार्रवाई की तैयारी। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक के 60% बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल। 16,000 शिक्षक भी नहीं बना रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस, रुक सकता है वेतन। स्कूल खुलने के बाद भी सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम है। कोरोना संक्रमण के डर से अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि 60% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। स्कूल छात्रों और शिक्षकों की रोज की उपस्थिति की रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। स्थिति यह है कि 14,300 मध्य विद्यालयों में से 12,700 स्कूल अपने अपने यहाँ के छात्रों की अटेंडेंस रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। मात्र 2600 स्कूल छात्रों की उपस्थिति की जानकारी जेएपीसी को भेज रहे हैं, जहाँ कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति करीब 40% रोज रह रही है। अगली बड़ी खबर की बात को तो रामगढ़ का अपराधी रांची में मांग रहा था रंगदारी। कारोबारी की होशियारी से धरा एक क्रिमिनल दो मौके से हुए फरार। पुलिस कहीं खंगाला जा रहा है अपराधियों का बैकग्राउंड। झारखंड के रामगढ़ से तीन क्रिमिनल रांची के कारोबारी से रंगदारी मांगने गए थे। ये यहां के नीरज साहू नाम के कारोबारी को अपना शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन कारोबारी की होशियारी से पुलिस एक अपराधी पकड़ने में कामयाब रही है। हालांकि इस दौरान दो अपराधी फरार होने में कामयाब रहा। घटना ओरमांझी थाना क्षेत्र की है। तीन की संख्या में अपराधी नीरज साहू नाम के एक कारोबारी को लूटने आए थे। इस दौरान साहू ने एक अपराधी को पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधी को कारोबारी ने पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने उनके पास से दो पिस्टल बरामद किए हैं। और मांझी थाना प्रभारी ने बताया है कि क्रिमिनल्स का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद इस मामले में कुछ भी बताया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह घटना आर्यन ढाबा से करीब 500 मीटर की दूरी पर घटी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लक्ष्य हासिल करने पर जोर। राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लक्ष्य 15 नवंबर तक प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए जल्द से जल्द लाभुकों का चयन करना होगा। यह गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान कल तय किया गया है। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक पशुपालन सह गव्य निदेशक शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में 74 अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 की भौतिक प्राप्ति और प्रगति की समीक्षा की गई है और 15 नवंबर तक 100% भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात को तो रिपोर्ट में कोरोना से मौत का जिक्र नहीं, तब भी मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी राज्य कोविड से जान गंवाने वाले के परिजनों को 50,000 की अनुग्रह राशि से सिर्फ इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड लिखा नहीं है। जस्टिस एम आर शाह जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कोविड से मौत के मामले में मुआवजे के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकार के दिशा निर्देशों को मंजूरी देते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरटीपीसीआर
आरएटी रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज पेश करने पर संबंधित अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधित कर सकते हैं। यदि वह अभी पीड़ित है तो जिला शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड में होगा हर साल वैद्यनाथ महोत्सव, केंद्र सरकार देगी पैसा, जाने क्या है इसके पीछे का उद्देश्य। कल दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन समेत अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। तय किया गया है कि कोलकाता के जोनल सेंटर के बाद सांस्कृतिक मंत्रालय का सब सेंटर देवघर में खोला जाएगा। इसमें स्थानीय भाषा जैसे संथाली, संस्कृत, खोटा, बंगाली, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी का विकास होगा। इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। निर्णय लिया गया है कि देवघर में प्रत्येक वर्ष वैद्यनाथ महोत्सव आयोजन करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय फंड मुहैया कराएगा। इसका आयोजन महाशिवरात्रि के आसपास होगा। राज्य की सबसे बड़ी लाइब्रेरी देवघर में खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।